और इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने दिया है अजीब बयान। साध्वी प्राची ने कहा है कि हिंदू परिवारों को दो नहीं बल्कि चार बच्चे पैदा करने चाहिए। साध्वी प्राची ने यह बयान राजस्थान के भीलवाड़ा में दिया। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। आखिर आप ऐसे क्यों कहते हैं? लेकिन हिंदुओं, मैं आपको भी आगाह करना चाहती हूं, हम कहते थे पहले कि हम दो हमारे दो, लेकिन हम कहने लगे कि शेर का बच्चा, ये गलत बात है। अरे मैं पूछना चाहती हूं जनसमूह में, उस शेर के बच्चे को तुम सीमा के ऊपर भेजोगे? सीमा पर रोज सीज फायर हो रही है, देख रहे हो, पाकिस्तान बराबर धमकी दे रहा है, बदतमीजियां उसकी बढ़ती जा रही है। उस शेर के बच्चे को आप साइंटिस्ट बनाओगे? उस शेर के बच्चे को देश की सीमा की सुरक्षा के लिए भेजोगे? उस शेर के बच्चे से आप बिजनेस कराओगे? उस शेर के बच्चे से आप प्रोफेसर बनाओगे? आखिर उस शेर के बच्चे से आखिर क्या करवाओगे? इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ, शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें चार चार बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा, विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों, वो देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति के लिए काम करेगा, वो बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री को इस तरह के बयानों पर रोक लगानी चाहिए। पार्टी में जब साधु और संतों का बोलबाला हुआ राजनीति में, तब से ये विकृतियां शुरू होने लगी हैं। साधु लोग हैं, साध्वी लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके बगैर शादीशुदा हैं, तो वो किस हक से कह रहे हैं हम दो और हमारे चार? आप जानते हैं कि जनसंख्या देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसी से जुड़ी हुई बेरोजगारी है, उसी से जुड़े हुए स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं हैं, और हमेशा निरंतर हर सरकार में, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा जनसंख्या पर नियंत्रण पर जोर दिया जाता रहा है। और एक तो नारा भारत सरकार का है, हम दो हमारे दो, तो उससे विपरीत अगर शासन ने, सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कोई निर्णय लिया हो तो वो खुलासा किया जाए, सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए। ये साधु संत इधर उधर से जो बयानबाजी करते हैं, ये बहुत ही गलत है।